नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। जब सफ़ेद खिलाड़ी का पॉन जो है वो F6 के ऊपर जाता है तो पॉन को फिश बोन पॉन बोलते हैं, मच्छी का काटा। और लोली मेट के एक टिपिकल मेट है जिसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया, लोलीज मेट करके। उसमें F6 के पॉन की मदद से मेट किया जाता है। ये लोलीज मेट का ये एक पोजीशन है। यहाँ पे देखिए, क्वीन H6 पे ली, रुक इसने G8 पे ले लिया, क्योंकि यहाँ मेटिंग पैटर्न क्या है कि क्वीन यहाँ पे अगर आती है G7 पे तो चेकमेट हो जाता है पॉन की मदद से। क्वीन क्रॉस H7 चेक। अभी किंग को, क्वीन को मारना ही पड़ेगा। किंग क्रॉस H7 एंड रुक टू H4 एंड चेकमेट। ये लोलीज मेट का पैटर्न है। इसमें और एक पोजीशन आती है जिसमें इसका बिशप यहाँ पे है E6 के ऊपर, तो बिशप यहाँ होने से रुक यहाँ पे नहीं आ सकता है, H3 के ऊपर सफेद रुक नहीं आ सकता। तो इसमें इसने कैसे खेला है देखिए, F6 के ऊपर पॉन है, फिशबोन पॉन, रुक D8, रुक क्रॉस D8 एंड क्वीन G7 आके चेकमेट। वो रुक को उसने वहाँ से हटाया और मेट किया। अभी एक गेम है इसमें, अभी देखिए D6 D4 पिरट डिफेंस है। ये बार बार मैं लोगों को कहता हूँ कि पिरट डिफेंस का स्पेलिंग है PIRC, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन है पिरट, पिरक नहीं, पिरट। तो पिरट डिफेंस में ये है जिसमें E4 D6 खेला जाता है, G6, Nc3, Bg7, फियांचेटो किया बिशप, F4, Nh6, Nf6, सॉरी Nf3, F6 एक अच्छी मूव थी इसके लिए। F6 पे उसने नाइट लेना चाहिए था यहाँ पे, फिर ये पॉन F6 पे नहीं आ सकता था। Nf3, कैसल, Bd3, Fy, E6, F6। अभी F6 पे पॉन आ गया। अभी इसने एक गलती ये की कि बिशप से मारना चाहिए था, वो क्वीन से उसने मार दिया। उसको लगा बिशप वहाँ पे अच्छा है, क्वीन क्रॉस F6 किया और बिशप G5 करने से क्वीन ट्रैप हो गई। क्वीन कहीं नहीं जा सकती, तो क्वीन ट्रैप होने के कारण ब्लैक ने गेम रिजाइन कर दिया। अगला गेम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। E4 E5, Nf3, Nc6, Bc4, इटालियन गेम होता है। Bc5 जोको पियन होता है, कैसल, Qe7, C3, Bb6। ये पहले इसने ऊपर लिया। नॉर्मली क्या करता है कि सफेद ये पॉन D4 के ऊपर लेता है और फिर ये बिशप पीछे लेता है। इसने पहले ले लिया प्रोफाइल एक्सेस, किंग H1। तो ये सीधा ये पॉन इसके पॉन का पिन है और कई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए किंग इसने पहले हटा दिया। Nf6, ये अटैक पॉन पे E4 के ऊपर अटैक है। Qe2, क्वीन से सपोर्ट दिया, कैसल किया, B3 किया, D6, B4, Bg4, A4, A6, D3, S6, Be3, Ba7, Nd2, Be6, Bc×A7, Re7, Qe3, Ng4, Qe2,
एफ आई पे काला आया, स्त्री एफ क्रॉस ई फोर, बी क्रॉस ई सिक्स एंड चेक, क्वीन क्रॉस ई सिक्स, क्वीन क्रॉस ई फोर, नाइट एफ सिक्स, क्वीन ई थ्री, रूक टू ए एट, नाइट टू एच फोर। यहाँ पे मुझे मेरी छोटी पोती की याद आई, ओ देखती थी तो बोलती है कब आएगा एफ सिक्स पे पॉन, बहुत दिन हुए एफ सिक्स पे पॉन ही नहीं आ रहा है। नाइट डी फाइव, क्वीन जी थ्री, नाइट क्रॉस सी थ्री, रूक ई वन, नाइट क्रॉस ए फोर, एफ फोर, अभी एफ फोर पे गया, रूक ई एट, एफ फाइव एक स्टेप ऊपर गए, क्वीन टू डी फाइव, नाइट ई फोर, नाइट बी टू, एफ सिक्स आ गए, अपना फिशबोन पॉन, रूक एफ सेवन, अभी मार नहीं सकता क्योंकि ये पॉन पिन है जी सेवन का, नाइट एफ फाइव, क्वीन क्रॉस डी थ्री, पॉन को क्रॉस किया, अभी पोजीशन मतलब क्या, सफेद के तीन पॉन गए हुए हैं, मतलब तीन पॉन डाउन है, नाइट क्रॉस एच सिक्स, ये पॉन जो पिन हुआ है उसका फायदा ले रहे हैं, नाइट एच सिक्स पे लाके चेक दिया, किंग टू एच सेवन, नाइट टू जी फाइव, अभी इसने हाथी को मार सकता था लेकिन उसने जल्दी नहीं की, नाइट टू जी फाइव, मतलब क्वीन का भी प्रोटेक्शन नहीं, नाइट क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन चेक देने के लिए उसने हलाया तो क्वीन को भी थ्रेट है यहाँ से, किंग जी सिक्स, क्वीन जी फोर, जी क्रॉस एच सिक्स, नाइट क्रॉस एफ सेवन, किंग क्रॉस एफ सेवन, क्वीन टू डी सेवन एंड चेक, नाइट टू ई सेवन, और एफ सिक्स को ये नीचे रूक बैठा है, ये और एक अच्छी बात है, एफ क्रॉस ई सेवन, अभी एफ सिक्स पॉन ने काम किया, वो गया ई सेवन के ऊपर, अभी एक मेरा पॉन नेल करके एक वीडियो हो सके तो देखना कि उसमें मैंने पॉन ऑन सेवंथ रैक डिस्कस किया हुआ है, पॉन नेल बोलते हैं उसको, किंग जी सेवन, क्वीन क्रॉस ई एट, इसने क्वीन क्रॉस एफ वन करके कोशिश की चलो चेक देते हैं, कुछ फायदा नहीं अभी उस मेट तो होने को आया, रुक क्रॉस एफ वन, एच फाइव, क्वीन टू एफ एट, किंग टू जी सिक्स, ई एट एंड क्वीन, किंग जी फाइव, क्वीन टू एफ सिक्स एंड चेकमेट। सो इस तरह से हमने देखा कि एफ सिक्स के ऊपर सफेद का पॉन जाता है तो ब्लैक के लिए काफ़ी ट्रबलसम रहता है, और उसको फिशबोन पॉन ऐसे बोलते हैं, अलग अलग जो टर्म्स है उससे हमको याद रहते हैं, कोई लोग बोलते हैं इतने नाम क्यों दिए, लोलीज मेड, अरेबियन मेड, दिस दैट, तो उससे मालूम रहता है कि अरेबियन मेड इस टाइप से होता है, अपोलेट मेड इस टाइप से होता है, ऐसे फिशबोन पॉन, और सेवंथ रैंक पे जो पॉन होते हैं उसको पॉन नेल बोलते हैं, तो उससे ये अलग अलग चेस में जो टर्म्स यूज की जाती है इससे भी अपनी पहचान हो रही है इस कारण। देखने के लिए धन्यवाद, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करना, अभी क्या है यूट्यूब ने किया है कि 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए, तो मेरे तो अभी मेरे ख्याल से 370 के करीब हुए।